ये है दिल्ली दर्पण। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली भारी जिला के प्रभारी अशोक ठाकुर जी और नेफेड के डायरेक्टर हैं। बातचीत करते हैं केंद्र के कई सारे मुद्दों पर और दिल्ली की राजधानी के मुद्दों पर। अशोक ठाकुर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी में। क्या लगता है आज चक्का जाम किसान आंदोलन के द्वारा किया जा रहा है, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कल जिस तरह से कृषि मंत्री जी का भाषण हुआ है और उसको अगर हम देखें लार्जली, तो दो बातें निकल कर आई हैं कि कृषि कानूनों के संबंध में जो बातें कही जा रही हैं, लेकिन तथ्यपूर्ण तरीके से या तर्कपूर्ण तरीके से कोई भी ऐसा इन तीनों कानूनों के प्रावधानों पर कोई सवाल उठाने का काम आज तक ना तो आंदोलन करने वालों ने किया है, ना विपक्ष के नेताओं ने किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनुबंध कानून भी हैं, वो जो राज्यों के कानून हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसानों को सजा का प्रावधान है, लेकिन जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसमें किसानों को उसमें रियायत देते हुए उनके खिलाफ़ किसी भी कार्रवाई को जो है करने की संतुति नहीं है, और किसान को कहीं ना कहीं इन बिलों से प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो इन सब बातों को अगर हम देखें, विपक्ष के जितने भी सवाल आए उन सबको देखें, तो ऐसा लगता है कि ये विरोध तार्किक नहीं है। और कृषि मंत्री जी ने उस पर कहा भी है कि अगर कोई तर्कपूर्ण विरोध करे, और मैं भी लगातार ये बात कहता जा रहा हूँ कि हम मानते हैं इस बात को कि सरकार कानून लेकर आई है, इनमें हमारी जो समझ थी, जो सरकार के पास जितने भी संसाधन थे और कृषि को लेकर जितनी समझ थी, उन सबको ध्यान में रखकर जो सर्वोत्तम कानून किसानों के हित के लिए बन सकते थे वो बनाए थे। अब अगर विपक्ष को या आंदोलन करने वाले लोगों को लगता है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने उनको खुला स्वागत किया है, खुला समर्थन किया है और प्रस्ताव देने के लिए कहा है कि जो प्रस्ताव वो चाहे ला सकते हैं, सरकार उस पर विचार करके उसको हल करेगी। तो अगर ये सब करने के बाद भी अब अगर धरना हो रहा है और अगर रास्ता रोको की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वो सड़कें रोकने की बजाय, चक्का जाम करने की बजाय, इन कृषि कानूनों के अंदर सुधार करके कैसे वो किसानों के लिए ज़्यादा हितकारी बन सकें, इस पर जोर लगाएं, तो वो देश के और किसानों दोनों के हित में होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि टीकरी बॉर्डर से भी और सिंगू बॉर्डर से भी अब ज़्यादा सेंट्रलाइज हो चुका है गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों में आंदोलन जो है वो सिंगू बॉर्डर या इधर से सेंट्रिक ना होकर वो गाजीपुर चला गया है। उसके पीछे कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी की का मैं कहूँगा कि भूमिका रही है, और जिस तरह से उन्होंने उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइमा फैंसी दिखाई दे रहा है वो आरोप झूठे हैं कि उन्होंने भाजपा के विधायकों का नाम लेकर मारपीट करने का जो आरोप लगाया था, उससे उदेलित होकर कुछ किसान जरूर लौटे हैं, लेकिन वास्तव में वो सच्चाई नहीं है। और कल जब किसानों को ये सच्चाई पता लगेगी, तो एक बार फिर वो जो जोर पकड़ा है आंदोलन ने, वो कमज़ोर पड़ेगा। किसान आंदोलन इंटरनेशनल भी होता जा रहा है, देख रहे हैं कि पॉप सिंगर रिहाना भी ट्वीट कर रही हैं, ठेगा भी कर रही हैं, उसके लिए क्या है? क्योंकि अब कई आप बीजेपी तो कह रही है अंबर आंदोलन मामला है, सेलिब्रिटीज़ हैं वो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किसी ने ट्वीट किया वो इंडिविजुअल लेवल पर था, और उनको हम ज़्यादा महत्व ना दें, एक बात। और जहाँ तक इस पर आपस में जो विरोध चल रहे हैं, मैं जो लोग उनके खिलाफ रिएक्शन देते हुए कहीं ना कहीं आतंकवादी और खालिस्तानी और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे भी बचना चाहिए। और देश के सभी हम नागरिक हैं और किसान भी हमारे अपने साथी, और जो 14 करोड़ किसानों में से चंद ही किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन आखिर हैं तो वो हमारे ही किसान भाई हैं, तो हमको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो थोड़े भ्रमित जरूर हैं, लेकिन आज निकल वो फिर एक बार फिर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इस पर रिएक्शन देने के बजाय हमको एक सामंजस्य बनाकर इस समस्या का हल निकालते हुए कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। बजट भी पेश किया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा, बैठक्स भी आप कर रहे हैं, आम आदमी का बजट है ये? देखिए, एक बात
इस बजट से या पिछले जो बजट आए हैं सरकारों के उनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सरकार केवल कहती नहीं है, उसको उस कहने के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए भी प्रयास करती है। अगर हम इस बजट की बात करें तो हमने जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था उसको पूरा करने की दिशा में ये जो है पूरा का पूरा बजट है। तो पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा, चाहे इस सरकार ने जो भी आंदोलन लिए, ये पहली सरकार है जो सामाजिक सरोकार के साथ काम करने वाली सरकार है, अर्थात जितने भी समस्याएं देश की हैं उनको जन आंदोलन बनाकर उनको समाप्त करने की दिशा में बढ़ना। गंदगी एक समस्या है देश के अंदर थी, उसको हल करने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया। हमारी बेटियों को लेकर जो है हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। तो ना केवल इसको हमने कहा, इसके लिए बजट के अंदर प्रावधान भी किया, इसको पूरा करने का काम भी किया। आज हमने आत्मनिर्भर बनाने की बात करी तो आप देखेंगे बजट के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग जो हमारे सेगमेंट्स हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, लघु उद्यमी हैं, सबको एक समावेशी बजट बनाते हुए उनको भी आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ाने के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं। तो मुझे लगता है ये बजट स्वागत योग्य है, बहुत सोच समझकर जो है भारत की भविष्य योजना के हिसाब से है। जो हमारा आधारभूत ढांचा, जिसकी एक कमज़ोर पक्ष था हमारे देश का, हमारी सरकार ने उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या और जो गांवों के विकास से जुड़े हुए मामला है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का इश्यूज़ हैं और बाकी जो गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, हर तरह का जो है आप देखेंगे कि इसमें भारत की जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करने का, क्योंकि जब तक हमारे देश की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक उस पर बड़ी इमारत अगर हम खड़ी करना चाहते हैं, अर्थात अगर हमने कहा है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा ढांचा है देश का, जो आधारभूत ढांचा है, वो भी वैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार आज पूरी ताकत के साथ उस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन सब का फ़ायदा आने वाले वर्षों में हमको जो है देश की विकास की गति को बढ़ाने में योगदान करेगा। ये थे हमारे साथ अशोक ठाकुर जी, बिंदास सवाल पे बिंदास जवाब दिया। किसी और हस्ती के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर